दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं रंगारंग इंडिया। दोस्तों भक्तों के लिए अच्छी खबर है, आज से मंदिर के द्वार खोल दिए गए हैं। ये एक मंदिर का दृश्य है जहां पर भक्त लोग जा रहे हैं भगवान के दर्शन करने के लिए। तो कोविड की घटती संख्या कह लें या फिर बीजेपी का प्रेशर पॉलिटिक्स, महाराष्ट्र सरकार ने मंदिर के द्वार खोलने का फैसला किया है जो कि आज से खुल गया है। लेकिन अब पहले जैसी आज़ादी नहीं है, आपको कोविड गाइडलाइंस का फॉलो करना है, मास्क लगा करके जाना होगा, 6 फीट की दूरी रखनी होगी। इसके अलावा अगर आप बीमार हैं तो आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। 60 साल से ज़्यादा उम्र है या फिर 10 साल से कम उम्र है उनको भी मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तो ये मंदिर में मैं अभी दर्शन करके आया हूँ। यहाँ पर सैनिटाइज़ के बोतल रखे हुए हैं जहाँ पर भक्तों को सैनिटाइज करके दर्शन करना है। तो इसके अलावा आपको हाथ धो करके ही दर्शन करने हैं। अब बात कर लेते हैं शिरडी के साई मंदिर हो या फिर मुंबई के सिद्धि विनायक और मुम्बा देवी मंदिर, हर जगह पर आपको कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना पड़ेगा दर्शन करने से पहले। शिरडी के साई मंदिर में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होगा दर्शन करने से पहले, और सिद्धि विनायक मंदिर में भी एक ऐप्स डेवलप किया जा रहा है जिसके जरिए आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। और साथ ही साथ सिद्धि विनायक मंदिर में हर घंटे 100 भक्तों को ही दर्शन करने की मंजूरी मिली है, और हर घंटे मंदिर को सैनिटाइज किया जाएगा, और हर दिन 1000 भक्तों को ही दर्शन करने दिया जाएगा सिद्धि विनायक मंदिर में। तो इस तरह से मंदिर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। 24 मार्च को यानी 8 महीने पहले कोरोना की बढ़ती संख्या को देखते हुए मंदिर के द्वार बंद कर दिए गए थे सेफ्टी के लिए। तो इस तरह से जब भी आप भगवान के दर्शन करने जाएँ तो अपनी सेफ्टी का भी ख्याल रखें, कोरोना की गाइडलाइंस का फॉलो करें। तो आज इतना ही, नमस्कार।